राम राम जी सबको। आज आपको दिखाने वाले हैं चाक का फंक्शन। हमारे यहाँ शादी से एक दिन पहले चाक का फंक्शन होता है। चाक पूजने जाते हैं कुमारों में, पूरा ट्रेडिशनल तरीके से बड़ा सा चाक होगा वो पूजेंगे। ऐसा नहीं कि छोटा सा, वो सारी चीजें मैंने ना एक पहले भी वीडियो बनाई है चाक पूजा की, वो मैं परिवार में नहीं था, हमारे मतलब गांव में था तो वहाँ गई थी, लेकिन आज हम परिवार में हम खुद पूजेंगे। उस दिन तो मैंने पूजते हुए दिखाया था, आज हम खुद पूजेंगे तो वो दिखाऊंगी कैसे कैसे क्या क्या पूजा होती है। वहाँ चलाएंगे मटके वगैरह, वो सारी चीज़ देखना ट्रेडिशनल तरीके से। जो कुम्हार है वहाँ जाएंगे और वहाँ पूज के आएंगे। आज मैंने ना लहंगा नहीं, हमारे यहाँ ना लहंगा और पीलिया वगैरह सब ये पहनेंगे आज, सबकी एक कॉमन सी ड्रेस हो जाती है एक जैसी। पर मेरी ये लुगड़ी ना ये मैंने खास मंगवाई है तो ये रखी हुई थी, मैंने आज ये पहनी है लुगड़ी है, कान्हा जी बने हुए हैं इस पे। और आज मेहंदी का भी फंक्शन है तो इसीलिए ये ग्रीन लिया। अभी इसको दूसरा चेंज करूंगी, अभी थोड़ा सा अभी लुगड़ी ले ली फिर चेंज कर लूंगी। तो अभी लुक देख लो और फिर वहां का चाक का फंक्शन दिखाएंगे ट्रेडिशनल तरीके से कैसे कैसे होता है क्या क्या होता है। चलिए पहले ये लुक देख लो। दिख रहा है? चलो दिख रहा है पीछे का शुरू? चलो ठीक है, चलो फोन पे फोन आ रहा है। तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं हमारे गांव के कुम्हार है वहां, आप देख रहे हो ना इसे चाक बोलते हैं। कुम्हार इस पे अपना बर्तन बनाते थे तो ये चाक है पूरा प्रॉपर, इसे बोलते हैं चाक। तो सबसे पहले हम यहाँ पहुंचे, इसको हमने धोया, पहले जो दिख रहा है ना वो एक चाक पूज चुका है, पहले वहाँ पे पूज चुका है ये। अब हम थोड़ा नीचे पूज रहे हैं, ये चाक पूरना बोलते हैं इसे, मतलब आटे से पहले स्क्वायर बनाओ फिर उसमें क्रॉस डालो, इस तरह ये करना होता है। और हल्दी के टीके साथिया वगैरह बनाने होते हैं, ये आप देखते रहना। बाकी हमारे यहाँ चाक पूजा होती है लड़की की, जो लड़की हो या लड़के की जो भी शादी है ना उसे एक दिन पहले पूजने जाते हैं। और इसका सबसे मेन है सुबह इसको आपको नोतने के आना पड़ेगा, जो कुम्हार है ना उनके घर जाते हैं और कहते हैं कि भाई हम शाम को चाक पूजने आएंगे, तो सुबह इसको नोता गया था फिर हम शाम को, मतलब सारे नहीं जाते एक या दो लोग चले जाते हैं और शाम को सब लोग जाते हैं परिवार की जितनी बहुएं हैं वो सारा, मतलब सारे ज़्यादातर प्रोग्राम सारे लेडीज़ के ही होते हैं तो ये सारे ढोल के साथ जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। ये आप देख रहे हो अभी यहाँ पर। और उसके बाद है ना यहाँ से कुम्हार के यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन होते हैं छोटी छोटी सराइयाँ कमोई ये सब डांडा गड़ेगा, ये आप देखोगे आगे वीडियो में भाई क्या क्या होता है ये सारी चीज़ें। और सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, मतलब कंटिन्यू व्लॉग्स आ रहे हैं, सारी रस्में आपको दिखा रही हूँ। अगर कुछ चीज़ें छूट जाए और कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके प्लीज़ पूछ लेना, मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ हो रही है और पूरे रीति रिवाज के साथ जो हमारी सास दादी सास जो हमारे परिवार में होता है हम उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं।
तो हमारे जो बड़े हैं उनको पता है, वो हमें सिखा रहे हैं, हम भी देख रहे हैं अब ये सारी चीज़ें कैसे हैं। तो जितना हो पाएगा हम भी आगे इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो ये बर्तन हमें वहाँ मिला है, तो ये हम यहाँ पे साथिया लगा रहे हैं। तो अब आप देखो, इंजॉय करो, सारी चीज़ें मैंने यहाँ की बता दी है। ये सारी हमारी दौरानी जिठानी बहुएं सब पीढ़ी पीढ़ी जैसे चेंज होती जाती है ना। अब कई तो ऐसे भी हैं, मतलब बराबर बराबर सेम सेम एज है, लेकिन चाची और बहू का रिश्ता भी बन गया है हमारा। तो इस तरह के हमारा मतलब परिवार बड़ा है, तो सारी हम दौरानी जिठानी बहुएं सब मिलके आज चाक पूजने के लिए आए हैं यहाँ पर। और अब आप इंजॉय करो, आगे भी इंजॉय करना, बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। सबको लाइक करो, प्लीज़ वॉच करो मेरी वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और ताकि मुझे सपोर्ट मिले, मैं आगे भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आती रहूँ। और इसके बाद शाम को मेहंदी का व्लॉग आएगा, तो बहुत अच्छा होने वाला है फंक्शन, तो वो भी देखने के लिए आना। थैंक यू सो मच, कंटिन्यू, और आप देखिए आप चाक और फिर डांस वगैरह सब आएगा। तेरी बना वीडियो वीडियो अपने सामान का दर्द भाई 1100 क्या होना चाहिए भाई कितने आज जिस जितना हाथ लगावे 7-10 रुपए डालेंगे इस पर जाके कुछ बन कर। तो अब हमने पूछ लिए हैं चाक सबने, ये हमारे कुमारों का घर है, यहीं से सारे सामान जाते हैं हमारे, जैसे शादी का हो या दिवाली पे, और जितने भी मटके का सामान है, मिट्टी का जो भी बर्तन वर्तन का सामान है, सब यहीं से जाता है हमारे। इनके दिवाली पे ये दे के आए थे, दिए भी, और जब करवा चौथ करते हैं ना तब हम कमोई दे के आते हैं, और वो कर कलश भी, और अहोई करते हैं जब कमोई, और दशहरा करते हैं जब कुलैया। अच्छा ये इसमें धरी रहेगी, क्या हुआ? पकड़ो ये थाली, अब ये हम लेके जा रहे हैं, मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना, ये लेके जा रहे हैं माँ जी। तो ये यहाँ पे हमने देखो पूछ लिया, अब हम जा रहे हैं। तो फ्रेंड चाक पूज लिया है और हम लेके आए हैं ये दो घड़, ये यूज़ होगी, दो घड़ मतलब एक मटका और एक छोटा सा ऊपर जो ये रखा हुआ है ना कलश जैसा, तो ये दो घड़ बोलते हैं इसे, और ये यूज़ होगी, इसमें पानी भरा जाएगा, और ये कहाँ क्या होगी वो मैं दिखाऊंगी आगे आगे ब्लॉग में आ जाएगा। और साथ ही मैं ये बताना चाहूँगी कि पहले जब चाक पूजते थे ना तो हम बहुत सारे मटके लेके आते थे, वो यूज़ होते थे पूरा साल भर, जैसे पानी वानी भरते थे, और लेकिन अब यूज़ नहीं होते हैं, तो इसीलिए बस ये शगुन की एक दो घड़ लेके आते हैं। और कुछ छोटे छोटे बर्तन हैं मिट्टी के, वो भी लाए हैं, वो मैंने आपको दिखाया अभी पीछे। तो अब हम जा रहे हैं वापस घर, अब क्या क्या होगा वो इंजॉय करो आप। देखो क्या हाल हो गया, ये इतनी भारी है ना, बहुत भारी थी ये, और फिर मैं जल्दी जल्दी में तैयार हुई। कई बार ये रहता है ना पीछे पिन विन लगाने वाला एक आध होना चाहिए, वहाँ भी लगवाया पर जल्दी में ऐसे लगा नहीं। आज जूड़ा थोड़ा ढीला बना, जब भी ये पहना ना जूड़ा मजबूत बनना चाहिए तभी आएगा सही सिस्टम।
थोड़ा भारी बहुत है ये, जो पहले पहनी थी वो तो हल्की थी, वैसे सुंदर लगती है देखने में पर भारी बहुत है, देखना कैसे मतलब बहुत भारी थी, जुड़ा भी मेरा जितना ना वो नीचे गिरा दिया इसने। तो अभी आ गए हम, अब मैं तैयार होने जा रही हूँ मेहंदी के लिए, मेहंदी का फंक्शन करेंगे अब तो, और ये ब्लॉग यहीं तक चाक का, और पार्ट टू इसका आएगा जल्दी ही, देखना जरूर मेहंदी का फंक्शन। तो लाइक करना, शेयर करना, प्लीज़ लाइक कर दिया करो, कमेंट करो भाई कि कैसा लगा। चलो यही कमेंट कर देना, लुगड़ी कैसी लगी मेरी येलो कलर की, देखो ऐसे गिर रही है बार 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 बार, होनी तो ऐसी है ना ढंग से, ऐसे वाला लुक। चलो अब मैं चेंज करके अब तो हल्का सा पहनूंगी, बिल्कुल इस ये जैसे पहनाना कुछ हल्का सा पहनूंगी। आना जरूर मेहंदी वाले ब्लॉग में कि कैसी ड्रेस पहन रहे, क्या धमाका, और है ना डांस भी मैंने सोचा है एक गाने पे, वो भी करूँगी, तो आना जरूर ब्लॉग देखने के लिए। बाय, हाथ पीले पीले हो गए वो लगाए थे ना हल्दी। बाय।